चक्कर आ चुका है, अभी अभी ये आया है चक्कर। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, हमारी जो वॉशरूमों की वायरिंग है पानी की वो भी हो रही है, और प्लास्टर का काम भी तकरीबन जो है ना वो होने वाला है कंप्लीट, बरामदा कंप्लीट होने वाला है, और हमारी जो मस्जिद का जो कमरा है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी बरामदा शुरू कर दिया इन्होंने। और चार दीवारी अंदर से तो आपको पता है वो पहले ही इन्होंने कर ली थी, तो सीमेंट वो ख़त्म हो गई थी। फिर एक और चक्कर मंगवाया है, ये हैं जी 25 थैले। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये भाई जो है उतार रहा है, अंदर जो है कमरा उधर रख रहा है। तो फिलहाल ये भाई आया हुआ था, प्लम्बर है, ये वायरिंग का काम करता है, जो पानी वाली वायरिंग होती है उसका। तो इसको मैंने काम का दिखाया है, इसके साथ डन हो चुका है। अभी ये जा रहा है अपना सामान लेने के लिए, जो ही वापस आता है तो ये अपना ग्राइंडर वगैरह लेके आएगा और दीवार के अंदर झरियाँ वगैरह लगाएगा, और उसके अंदर जो है ना पानी वाली अपनी वायरिंग जो है ना वो करेंगे। तो ये थे जी, ये हैं तेगे जो मैंने आपको कहा था, जहाँ पे अंदर अलमारियाँ बनेंगी, और इस साइड पे भी ये हैं जी, यहाँ पे भी अंदर जो है ना वो अलमारियाँ बनेंगी। तो ये साइड भी प्लस्तर होगी, ये भी प्लस्तर होगी इंशाल्लाह, ये जो है ना बाद का काम है। और फिलहाल यहाँ पे देखें, ये दीवार काफ़ी दिन पहले हुई है, 3-4 दिन हो गए हैं, और अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जो जो अंदर से प्लास्टर हुआ हुआ था, ये देखें ये दीवार भी कंप्लीट है, ये दीवार भी कंप्लीट है, और ये दीवार भी कंप्लीट है। बाकी ये धारें जो है ना वो रहती हैं, ये अंदर से रहती है, इसकी वो लगनी है, सेल्फें बनानी है, और ये भी प्लास्टर अंदर से करना है, और ये भी खाना जो है ना हो चुका है। यहाँ पे हम कोई ना कोई आयत लिख देंगे, और यहाँ पे भी ये अलमारियाँ हैं जहाँ पे जहाँ आपको मैंने बताया था एम्पलीफायर वगैरह दूसरी चीज़ें जो है ना वो रखते हैं। और इधर तराई हो रही है दीवार की, 3-4 दिन पहले जो है ना वो शुरू किया था तराई, दो दिन तराइयाँ करते रहे हैं, उसके बाद प्लास्टर शुरू किया था, और ये साथ साथ अभी फिर भी तराई करते जा रहे हैं और प्लास्टर भी करते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना बन रहा है हमारा मसाला प्लास्टर का। और यहाँ पे जो है ना वॉशरूमों की सेटिंग जो है ना वो हमने इस तरीके से की है कि यहाँ पे हमने रखना है जी जो नहाने वाला शावर होता है वो इस जो है ना बाथरूम में रखेंगे, और इधर जो है ना कमोड रखेंगे, उधर जो है ना वुजू खाना रखेंगे, जो होता है ना फ्लश, उसमें फ्लश रखेंगे, और यहाँ पे कमोड और यहाँ पे शावर, और यहाँ पे जगह छोड़ के थोड़ी सी 4 फुट जितना उधर जो है ना हम अपना बनाएंगे जो नमाज के लिए वुजू खाना होता है ना वो। तो उसमें जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि एक हम रखेंगे सीट के जो पीछे बंदा जो है ना वो बैठ के अगर वो आसे लगाना चाहे तो वो लग सकता है, क्योंकि बुज़ुर्ग जो आते हैं ना जो बैठ नहीं सकते अच्छे तरीके से सही तरीके से, वो सहारा अगर लेना चाहें तो वो सहारा थोड़ा सा पीछे जो है ना होके वो ले सकते हैं। और यहाँ पे कमोड रखने का भी यही हमारा माइंड है कि जहाँ जब हम कमोड रखेंगे तो जो भी बुज़ुर्ग आएगा जो पाँव के बल नहीं बैठ सकता वो कमोड के ऊपर बैठ के ना जो भी होता है वो पेशाब वगैरह कर सकता है। और यहाँ पर जो है ना एक और हम फ्लश रखेंगे, वो वहाँ पे जैसे जो बंदा दिल करे जिसका वहाँ पे जो वो फ्लश के ऊपर बैठ सकता है। और यहाँ पे हमने नहाने के लिए आपको पता रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो अक्सर आते हैं तबलीग जमात वाले जो तबलीग करते हैं, और वो हर मस्जिद में जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं वो, तो इसलिए हमने कहा कि एक हम शावर रखेंगे ताकि जो आते हैं ना मुसाफिर बाहर से और गुजरने वाले कोई ऐसा मुसाफिर होता है कि वो उसको रात गुजारनी पड़ जाती है, रहना पड़ जाता है, अगर उसने वो वॉशरूम जो नहाने का शावर वगैरह है वो अगर उसने इस्तेमाल करनी है तो वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता है। तो चार दीवारी तो आपको पता है पहले ही जो है ना कुछ कंप्लीट हुई थी, और यहाँ पे धारियाँ वगैरह जो भी हैं वो लगेंगी। तो यहाँ बिजली की वायरिंग भी हो चुकी है, जो अब अंडरग्राउंड हमने जो है ना वो टूटियों की वायरिंग करनी है, पानी की वायरिंग करनी है, उसके बाद जो है ये प्लास्टर शुरू होगा इंशाल्लाह। तो अभी ये भी देख सकती हैं आप, ज़बरदस्त काम हो रहा है। इंशाल्लाह जब हमारी मस्जिद पूरी कंप्लीट हो जाएगी, प्लास्टर हो जाएगी, तो बहुत प्यारी लगेगी। और मीनार भी हमारे तैयार हो चुके हैं, और हमारा जो उधर गुंबद लगाना है हमने हरा वो भी तैयार हो चुका है, मस्जिद नबवी वाला गुंबद, और इधर
ताज भी हमारा तैयार हो चुका है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही यहाँ पे हम लगवा देंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम आए हुए हैं जी जहाँ पे हमने एक बेवा बहन का कमरा बनवाना था उस जगह पे। कमरा तो आपको पता है ऑलरेडी तैयार हो चुका था और ये वॉशरूम है साथ, ये भी तैयार हो चुका है और इसी के साथ ही प्लास्टर उसको करवाना था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों के बाद मिस्त्री मिला था, तो आज प्लास्टर जो है ना शुरू हो चुका है और तराई जो है ना सबसे पहले शुरू हुई है। और यहाँ पे डीसी जो मोटर थी ना उनकी, तो ये जो है ना कुछ ख़राब हो गई हुई है। ये देखें इसकी स्पीड जो है ना वो बहुत कम आ रही है, हालांकि हमने 3 प्लेटें लगाई हुई हैं, सोलर प्लेटें साथ से वालों से मांग के ना 3 प्लेटें लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड जो है ना वो फुल नहीं आ रही। तो आहिस्ता आहिस्ता से ना आ रही है और इस जगह से ना लीक भी है, पानी निकल रहा है बाहर और हवा ले रही है मोटर जो है। और ये जो पाइप है ना ऊपर वाला, ये भी एक जगह से ना लीक है, पानी वहाँ से निकल रहा है, उस जगह से भी निकल रहा है। तो अभी मिस्त्री को मैंने कॉल की है, वो आ रहा है और जो भी सामान इसका है ना वो भी लेके आ रहा है। तो ये इंशाल्लाह बनाएंगे, उसके बाद तराई जो है ना शुरू हो जाएगी। देखें नीचे से पानी निकल रहा है सारा, तो ये सब जो है ना वो रुकेगा तभी अच्छी चलेगी मोटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल तो रही है नई मोटर, ये हमने ली है, जो पुरानी थी ना वो इधर पड़ी थी, वो छोटा मेरा भाई ले गया है और अभी शुक्र अल्लाह का ये चल तो रही है। तो अभी देखते हैं, अल्लाह पाक करे कि चलती रहे। पता नहीं कोई क्या मसला मसाइल है, ये जो है ना बंद हो जाती है कभी कभी, अब पता नहीं क्या मसला है इनको। अभी तो ये चल रही है लेकिन फिर बाद का पता नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है ना कम करती जाती है और फिर बंद हो जाती है। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो और सही तरीके से चलती रहे, क्योंकि फिर काम भी जो ना ये कंप्लीट करना है ईद से पहले पहले हमने। और जो हमारी बहन है ना जिनको हमने देना है, जिनका कमरा है उनके हवाले करना है, उनको चाबियाँ देनी है और फिर हम इस काम से जो है ना फ्री होना है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना प्रोजेक्ट वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो मिस्त्री की वजह से जो है ना वो काम कुछ ये लेट हो गया हमारा। तो जी माशाल्लाह अभी कुर्बानी जो है ना वो नज़दीक आ रही है, तो कहते हैं कि जानवरों के सामने ऐसी बात नहीं करते, लेकिन ये माशाल्लाह हमारा जो है ना जानवर है, तो इसको जो है ना हम इंशाल्लाह अल्लाह की राह में देंगे। तो अभी तकरीबन आज सैटरडे है, जुमेरात वाले दिन ईद है मेरे ख्याल से, तो इंशाल्लाह 3-4 दिन बाकी हैं। तो इंशाल्लाह अभी कल इसको हम जो है ना फुल इसको नहलाएँगे। हाँ अच्छा, तो इसको जो है ना सुबह इंशाल्लाह हम फुल जो है ना इसको सरफ के साथ साबुन के साथ नहलाएंगे, इसको प्यारा सा बनाएंगे और इसका मैं ऊपर एक ताज होता है सर के ऊपर वो भी लेके आऊँगा और इसका रस्सा भी नया लेके आऊँगा इंशाल्लाह, बहुत प्यारा बनाएंगे इसको। तो फिर इंशाल्लाह फिर अल्लाह की राह में जो है ना इसको देंगे। तो अभी ये रेस्ट कर रहा है खाना वगैरह खा के, तो जो है ना मैंने कहा चलें आज मैं आया हुआ था मीवालों के घर, मैंने कहा चलें इसकी ना वीडियो बना देता हूँ। देखें इसके ऊपर ना जो इसका गोबर वगैरह होता है ना वो लगा हुआ है, तो इसको जो है ना कल इंशाल्लाह फुल इसको अच्छे तरीके से जो है ना वॉश करेंगे, धोएंगे, नहलाएंगे इसको, तो फिर जो है ना इसकी इसको खूबसूरत सजाएँगे, सजा के फिर जो है ना इंशाल्लाह इसको कुर्बान करेंगे। हाँ जी आराम, अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो? स्कूल से वापस आ गए हो? अच्छा, ये हमारा बछड़ा कैसा है? अच्छा है ना, इसको नहलाएं? हाँ अच्छा, वे चिड़िया लड़ी हुई हैं, ये देखें क्यों, वो देखें वो भाग गई। हाँ फिर क्या बात है फिर, हैं चलो खोलो उसको, खोलो फिर नहलाते हैं उसको। क्यों वो जिया के पीछे पीछे जिया है आपकी, मारता है? नहीं मारता, माशाल्लाह बहुत प्यारा है वो तो कहता है और हम मेरे पास आए मैं उसको ना ऐसे प्यार से ना फूंके दूंगा, फूंक करूंगा ऐसे नाक से। चलो ना अभी जो है ना हम जा रहे हैं जी पूरी दुकान जो है ना लेने के लिए जा रहे हैं चीजें की, तो और हमको जो है ना पूरी दुकान चीजें की लेके देंगे, ठीक है ना? कितना चीजें हो आपको? पूरी दुकान चीजें की हमको लेके देंगे इंशाल्लाह। अभी जा रहे हैं हम और इधर जिया भी आ गई है। जिया क्या हाल है? जियू क्या हाल है? इधर हाथ मिलाओ। वही ये क्या है? फलियां हैं, फलियां।
माशाल्लाह फ्री उठाई हुई है आपने तो, चोती बांधी हुई है, चोती भी इधर, चोती भी बांधी हुई है इधर, हैं चोती भी बांधी हुई है। चलो चले अब पूरी पूरी दुकान लेते हैं, ठीक है। अभी जूस भी लेंगे, बिस्किट भी लेंगे, पापड़ भी लेंगे, टॉफी भी लेंगे, ठीक है। हैं फिर कह रहे हो पूरी दुकान लेनी है, फिर अभी कहते हो ना पूरी दुकान लेते हैं। चलो चलो अभी चलते हैं, पूरी दुकान लेते हैं। चलो चुप हो जाओ ना अब, शदीद गर्मी है बहुत ज्यादा और इतना हब्बस है ना, दिल को कुछ होने लग जाता है जरा सी हवा ना लगे तो। तो बिजली तकरीबन 2 घंटे से गई हुई है, उससे पहले आधा घंटा आई थी, उससे पहले भी 3-4 घंटे हो गए थे वो नहीं थी लाइट, फिर आधा घंटा आई, फिर 2 घंटे से अभी तक नहीं आई। तो हाथ वाला पंखा जो है ना वो जिंदाबाद, हिम्मत फैन चला रहा हूँ और जी रहा हूँ। अगर हिम्मत फैन ना होते तो अब तक हम अल्लाह के पास होते। और माशाल्लाह से काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको यहाँ पे फूल भी दिखा रहा हूँ, ये वाले, और ये कुछ सूखे हुए भी हैं, ये गिर गए हैं। तो नए उगाते हैं फिर कुछ खुश्क हो जाते हैं, फिर नए उगाते हैं फिर कुछ खुश्क हो जाते हैं। और ये जो नीचे वाली है ना गुल दोपहर, ये अभी तक काफ़ी दिन हो गए हैं इसने जो है ना फूल नहीं निकाले अपने। तो अभी दूसरे फूल दिखाता हूँ, वो उनमें से फूल निकले हुए हैं अच्छे अच्छे। लेकिन बाहर जो है ना हवा चल रही है, सिर्फ बरामदे के अंदर अंदर बैठ के ना फिर नहीं लगती हवा। और ये भी ना फूल से निकाला हुआ है लेकिन काफ़ी दिन हो गए हैं इसको पानी नहीं लगा, इसको भी नहीं लगा पानी। और इसने भी जो है ना फूल डोडियाँ निकाली हुई हैं, ये देखें। और इसके भी माशाल्लाह 2 फूल निकले हुए हैं, और इसका भी मेरे ख्याल में ये भी फूल निकलेगा कल। ये डोडी बनी हुई है लेकिन कल फूल निकलेगा, और ये भी काफ़ी सारी इसकी डोडियाँ निकली हुई हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ये भी फूल निकल आएंगे। और इसकी भी 1 बनी हुई है, बाकी सारे पत्ते फूल जो है वो गिर गए हैं इसके। तो सुबह से गया हुआ था मैं बाहर काम करवाने में, मसरूफ़ था, और जो कमरा हमारा बन रहा है उस उधर मैं मिस्त्री लगाने के लिए गया था, उन्हें ट्राई वगैरह करनी थी, तो मैं फिर वापस आ गया था। शदीद गर्मी थी तो फिर मैं लेट गया, मैंने कहा अभी वीडियो नहीं बनाते, तो अभी मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। तो हवा देखें बाहर चली हुई है, लेकिन बाहर आपको पता है धूप है तो बाहर बैठ नहीं सकते, ये देखें माशाल्लाह बाहर हवा जो ना वो चली हुई है काफ़ी सारी। सुबह भी मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि सालन वगैरह पड़ा हुआ नहीं था, तो अभी जो है ना मैं देखता हूँ कोई चीज़ अगर पड़ी हुई है तो। ये आटा पड़ा हुआ है और इधर वही चाय वाले बर्तन, चाय भी ख़त्म है। तो ये पड़ी हुई हैं जी मिर्चें, तो इन्हीं से जो है ना काम चलाते हैं। ये जो घी के अंदर तिड़की हुई होती है ना, तिड़का लगा हुआ होता है, ये वो हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी जो है ना स्टार्ट करते हैं खाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे लगा लगा कर ना हल्का हल्का, तो फिर खाओ तो बहुत ही मज़ा आता है और टेस्ट भी बनता है अच्छा अच्छा अच्छी बच्ची बनी हुई है। अरम पानी ले आओ। अभी जी खा रहे हैं जी कुल्फी, ये चॉकलेट भी है, आइसक्रीम भी है, सब कुछ है मतलब। तो सुबह से आपको पता है मैंने बताया नाश्ता नहीं किया था, थोड़ी सी भी रोटी खाई थी, उसके बाद अभी कुल्फी खा रहे हैं, उसके बाद चलते हैं जी शहर और वहाँ से रोटी खाते हैं, भूख लगी हुई है काफ़ी सारी। तो ये जो है ना भाई कुल्फी वाला, इनसे मैं अक्सर लेता हूँ कुल्फियाँ, ये हमारे रोड पे जो है ना अक्सर यहाँ कुल्फी लगाए हुए होती हैं। और ये साथ ही यहाँ पे एक यहाँ कोई दरबार वगैरह बना हुआ है, तो यहाँ नल भी लगा हुआ है पानी का, वो साथ देखें। और यहाँ पे छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है, ये चेक करें। तो हाँ जी भाई, तो अभी मैं आया था एक दुकान पे, और ये आपको पता है मैं पहले भी एक सेट ले गया था कुरान पाक का, ये जो सिपारे होती हैं ना ये वो हैं 1 से लेकर 30 तक। तो 2 सेट मुझे चाहिए थे, 2 सेट पहले भी लेके गया था मदरसे के लिए, और 2 सेट अभी भी जो है ना ये इनमें से ना कुछ शॉर्ट हैं, ये 30वां सिपारा नहीं है, 16वां सिपारा नहीं है और 28वां सिपारा नहीं है इनमें। तो ये मैंने भाई को कहा है, छोटे भाई को मैंने कहा आपने जो है ना ये 3 सिपारे आपने मुकम्मल करके रखने हैं, फिर मैं ले लूँगा। और पिछली बार भी ना मुकम्मल थे वो, मैं ले गया था और मदरसे में मैंने दे दिए थे। अब 2 सेट मुझे और चाहिए थे, उनमें से जो है ना वो 3 शॉर्ट हैं, तो मैंने कहा आप ये भी कम्प्लीट करके रखें, फिर मैं इकट्ठे ले जाऊँगा शाम को, ठीक है।
हाँ तो फिर ये जो ना इंशाल्लाह ये भी मदरसे के लिए हैं, ये भी मदरसे में देंगे, जो पहले ले गया था वो भी हमने मदरसे में दिए हैं, तो इंशाल्लाह ये जब ले जाएंगे तो फिर दिखाएंगे आपको। और ये चेक करें भाई को, ये खजूर जो है ना बेच रहा है। तो हमारे यहाँ तो आपको पता है खजूर पकी ही नहीं है, ये बेचना भी शुरू हो गए हैं, ये हमारे यहाँ कच्ची हैं अभी बिल्कुल। और ये है जी हमारा गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे मैंने मैट्रिक जो है ना वो पास की है, अभी भी हमारी पुरानी यादें जो है ना वो यहाँ ठहरी हुई हैं माशाल्लाह। अभी चलते हैं जी उधर खाना खाते हैं। माशाल्लाह जी यहाँ पे अरबियाँ भी हैं, करेले भी हैं, यहाँ पे कद्दू भी हैं और रवां भी है, उधर पालक भी पड़ी हुई है, इधर बैंगन भी हैं, आलू भी है, गवार भी है, प्याज भी हैं, टमाटर भी हैं, बंद गोभी भी है, और ये हलवा कद्दू भी है, शिमला मिर्च भी है, ये डीमू भी हैं, लहसुन भी है, उधर इधर जो है ना वो खीरे भी पड़े हुए हैं, भिंडी तुरी भी है, सब्ज़ तुरी भी है, टिंडे भी हैं, और इधर प्याज भी हैं ठेले में। माशाल्लाह जी सब कुछ जो है ना शॉप पे मौजूद है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और मैंने लिए हैं जी यहाँ से आधा किलो आलू और आधा किलो लिया है जी पालक। तो ये जो है ना आलू और पालक बहुत अच्छे पकते हैं, तो मैंने कहा चलें ये ले लेते हैं। और आलू और जो कद्दू होते हैं ना, बैंगन सॉरी, ये भी ना बहुत अच्छे पकते हैं, तो ये भी हम आपको पता है अक्सर पकाते रहते हैं। और इधर ये भी पड़ी हुई, ये भी हमारी फेवरेट है, उधर भिंडी पड़ी हुई, ये भी हमारी फेवरेट है, और अक्सर कभी कभी हम सब्ज़ तुरी पका लेते हैं। तो फिलहाल हम जो है ना ये ले रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह जी, पूरी शॉप जो है ना यहाँ पे सजाई हुई है सब्जियों से माशाल्लाह जी। इसके ना डाल दिया है जी आम डाला है भाईजान, उसके बाद चीनी डाली है, अब डाला जा रहा है दूध माशाल्लाह। अभी हम बनवा रहे हैं जी एक ग्लास आम का जूस। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें भाईजान चलाएं मशीन को। ये वैसे हम आपको पता है घर में भी बनाते रहते हैं अक्सर, तो लेकिन मैंने कहा चलें आज बाजार से चेक करते हैं कि कैसे बनाते हैं बाजार में जूस। तो सेम हमारे वाला तरीका ही है, मैं सोच रहा था कि कोई और तरीका होगा शहर में जो जूस सेल होते हैं उनका, लेकिन एक ही तरीका है, कोई बात नहीं, यहाँ से भी आज ट्राई कर लेते हैं कि कैसा बनता है जी। और ये है जी हमारा चौक, जो मतलब हमारा मेन सिटी है ना वो चौक, और ये है जी कमेडी चौक, इसको मिला चौक भी कहते हैं वैसे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये दीवार मुकम्मल हो चुकी है पूरी, ये तो पहले की मुकम्मल थी, और आज जो है ना इन्होंने ये दीवार मुकम्मल की है, और ये दीवार जो है ना होने वाली है मुकम्मल वहां से वहां तक, और ये भी ना अभी कुछ देर तक मुकम्मल हो जाएगी। और अभी ये दीवार जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी 3-4 का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, तो इंशाल्लाह देखते हैं जो कि आज की डेट में जो कौन कौन सा काम होता है। और प्लेटों को रख रहे हैं जी उधर, और प्लेटों का आप देख लें बिल्कुल जो है ना बुरा हशर है, इधर जो है ना सीमेंट लग लग के ना बिल्कुल ये ब्लैक हो चुकी हैं। अब देखें, अब पता नहीं ये जो ऊपर से ना सीमेंट लगी हुई है, पता नहीं वो उतरती भी है या नहीं उतरती, और यहाँ पे तो उतर गई है। इसका पे क्या लगाया है? अच्छा चलें, अल्लाह करे कि हम भी रगड़ें और ये साफ हो जाएं, क्योंकि इससे ना करंट वो कम हो जाता है। अभी देखें ये जगह जो है ना साफ हो गई है, और ये जगह पे सारी सीमेंट उड़ती रही है ना हवा की वजह से, सारी जो है ना वो सीमेंट इसके ऊपर चिपक गई है। तो इधर भी ना टच तो नहीं हो रही तारें, क्योंकि टच होती हैं तो फिर स्पार्क करती हैं और फिर तारें जो है वो जल जाती हैं। तो चलें माशाल्लाह जी काफ़ी सारा काम हो गया है, आज का व्लॉग जो है सारा मैंने आपको पता है आप मस्जिद के ऊपर और उधर बनाया है जो काम हो रहा है हमारा कमरे का। तो इधर भी ना सारी जो है वो साइडें जो है वो बैठ चुकी हैं, देखें आप, क्योंकि इस जगह के ऊपर ट्रैक्टर जो है ना वो नहीं चढ़ा, दरमियान में तो फिरता रहा है मस्जिद के दरमियान में फिरता रहा है, वहाँ पे वजन पड़ता रहा है और वो ज़मीन जो है वो प्रेस हो गई है। तो साइडों पे हमने खुद नहीं कहा उसको कि आप आएँ, क्योंकि फिर अगर साइडों पे ट्रैक्टर ट्राली आती ना फिर दीवार जो गिर जानी थी, इसलिए हमने जो साइडों पे नहीं आने दी ट्रैक्टर ट्राली को, और दरमियान में जो है ना वो ट्रैक्टर और ट्राली आती रही है, और जिसने क्रॉस लगाया था वो भी आता रहा है बंदा ट्रैक्टर लेकर, तो वो जो जगह है दरमियान वाली वो प्रेस हो गई है, पाइप निकल गया है। ये देखें जी, नहीं है तो किसी जगह पे नहीं, यहाँ पे बल पड़ता है ना इस जगह पे फिर भी वो निकल जाती है वहां से ट्यूब, ठीक है, हो सकता है आगे से जोर ज्यादा मिला हो उस वजह से,
और इधर से जो है ना वो इसके अंदर ट्राली के अंदर मिट्टी रेत सीमेंट भर के आती हैं और यहाँ पे जो है ना प्लस्तर करती हैं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्होंने कहा है कि ईद के एक हफ्ता बाद पूरा प्लस्तर वगैरह मुकम्मल जो है ना वो आपको करके देंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अभी तो आपको पता है 3-4 दिन अभी ईद को भी रहते हैं, वो भी काम होगा, फिर 3 छुट्टियाँ आ जाएंगी ईद की, उसके बाद इन्होंने कहा है एक हफ्ते में आपको काम पूरा कंप्लीट करके देंगे। तो चलें देखते हैं क्या होता है जी, जैसे होगा अल्लाह ताला की रजा के साथ होगा।